नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हेमंत सरकार का एक साल पूरा होने वाला है, वो दिन है 29 दिसंबर। स्वाभाविक तौर पर हेमंत सरकार इसे एक बड़े समारोह में बदलने की कोशिश करेगी और इस मौके पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी जो है वो भी अब इस इंतज़ार में, इस तैयारियों में है कि उस दिन हेमंत सरकार की नाकामियाँ जो हैं वो लोगों के सामने लाई जाए। और ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, जहाँ पक्ष विपक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। खैर, इस समारोह को लेकर के जो 29 दिसंबर को होने वाला है, हेमंत सरकार का एक साल पूरा होने वाला है, तो सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। उस बड़े ऐलान में कई लोगों को नौकरियां दी जा सकती हैं, कुछ लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं कृषकों के लिए एक बड़ी खबर है, किसानों के लिए एक बड़ी खबर है कि 50,000 तक जिन्होंने भी कर्ज लिया है उसे माफ़ कर दिया जाएगा, एक बहुत बड़ी खबर है। तो आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नौकरी और जो पेंशन देने की बात हो रही है वो ऐसे लोगों के लिए बात हो रही है जब झारखंड आंदोलन हो रहा था, यानी जब बिहार से अलग होने के लिए झारखंड के लोग आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी और जो जेल की सलाखों के पीछे गए थे, वैसे लोगों के लिए जो है सरकार सम्मान पेंशन की योजना ला सकती है। इसके अलावा जो शहीद हुए उनके परिजनों को हेमंत सरकार सरकारी नौकरी दे सकती है। चुनाव के दौरान हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा इसका जिक्र किया था। हेमंत सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर ऐसे लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, सरकारी नौकरी देने की बात की थी। अब इसे वो अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में 2012 में एक आयोग का गठन किया गया था, जिस पर जिम्मेवारी दी गई थी कि आप जो ऐसे शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने कष्ट सहे हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाए, उनके परिवार वालों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अगर कोई शहीद हो गए हैं तो उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए, और जो लोग उस वक्त जेलों में बंद हुए थे उनको जो है सरकारी मदद मुहैया कराई जाए। हालांकि हम हेमंत की बात करें तो लगातार वो लोगों से मिलते रहे हैं और ऐसे लोगों को जिन्होंने जो शहीद हुए या उन्होंने उस दौरान संघर्ष किया उसे तत्काल राहत पहुंचाते रहे हैं। कुछ लोगों को की जो है सरकारी नौकरी पर बहाली भी की गई, लेकिन इस बार फिर से उस आयोग जो 2012 में गठित किया गया था, कुछ कारणों से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई, फिर से उस आयोग के गठन की बात चल रही है। उस वक्त जस्टिस विक्रमादित्य उसके जो है चीफ बने थे, मुख्य बने थे, और फिर अब इसे जो है एक आयोग बना करके ऐसे लोगों के लिए एक सूची बनाने की बात चल रही है। आपको बता दें कि पहली सूची जो होगी वो होगा कि कौन कौन से लोग शहीद हुए, और दूसरी सूची होगी कितने लोगों ने कब कब जो है कितने वक्त तक जेल में रहे, उसके आधार पर उन्हें सरकारी मदद मुहैया कराने की बात की जा रही है। अब आपको बता दें कृषि के बारे में, कृषि के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी किसान जिन्होंने 50,000 तक के कर्ज लिए हैं उनकी कर्ज जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। हेमंत सरकार जब चुनाव में वो भागीदारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो इन्होंने इस बात को उठाया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे, और अब उसे वो अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि इस पर उन्हें विरोधियों पर तंज भी कसा और उनके खामियां बताई कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिला है, और आप मदद की बात छोड़ दीजिए, जो GST जो झारखंड को मिलना चाहिए, जो उसका वाजिब हक है, वो भी झारखंड को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने जो है अपने बजट से 2,000 करोड़ का प्रावधान किया है, और इसी बजट के ज़रिए जो किसान जिन्होंने 50,000 तक के कर्ज लिए हैं उस कर्ज को जो है माफ़ कर दिया जाएगा, और ये हम अपने बजट से कर रहे हैं, केंद्र सरकार की इसमें कोई खास सहभागिता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कृषि निर्यात नीति, यानी जो किसान अपने अनाज बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, उसके लिए एक नीति बनाने की बात चल रही है, उसके लिए भी एक समिति का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुधन योजना जो है उसकी भी शुरुआत की जाने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर हेमंत सरकार ने अपनी बातें रखी। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि वो विपक्षियों पर वार करते नज़र आए, जैसे उन्होंने कहा कि हमें GST का पैसा भी नहीं मिल रहा, बाकी मदद तो आप छोड़ दीजिए, और जो हम किसानों के लिए कर रहे हैं, जो झारखंड आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए उन लोगों के लिए कर रहे हैं, उनको हम अपने बजट से कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार विरोधी पार्टियां हेमंत सरकार पर जो है वो आरोप लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो 29 दिसंबर को ये जो है सालगिरह होने वाला है इस सरकार का, तो सरकार जो है ज़ोर शोर से अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगी, वहीं विपक्षी पार्टियां जो है आलोचना करेगी। तो इस तरीके से आप देखते रहें वेब समाचार, हम तमाम खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको हमारी खामियाँ लगती हैं तो कमेंट के ज़रिए बताएँ, और अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।